राष्ट्रीय अंततः दृष्टिहीन विद्यार्थियों योजना व निवारण स्कीम के तहत जिला अस्पताल में करीब 2000 से अधिक चश्मे आए थे। योजनाओं की सरकारी महकमों में किस तरह से लीपापोती हो रही है, इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के देवास जिले में देखने को मिलता है, जहां स्कूली बच्चों के लिए लाए गए चश्मे को 3 महीने से अधिक हो जाने पर भी स्कूलों में वितरण नहीं किया गया। इसकी जानकारी जब SDM जीवन सिंह रजक को लगी तो उन्होंने जिला अस्पताल में जाकर अनंता चश्मों का निरीक्षण किया। अस्पताल में चश्मे कब आए, कैसे आए और स्टोर में चश्मे किसने रखवाए, इसकी जानकारी ना तो स्टोर कीपर और ना ही परचेज इंचार्ज को थी। CMSO को मालूम, लेकिन चश्मों का पेमेंट हो गया, यह रिकॉर्ड में अभी भी मौजूद है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM ने संबंधित दोषी कर्मचारियों को नोटिस दिए। वहीं एक कर्मचारी को निलंबित करने की बात भी कही। वहीं चश्मा को बच्चों को वितरण करने की बात भी कही। जल्द ही 3 महीने से रखे इन चश्मों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। नहीं, वो राष्ट्रीय जो दृष्टिहीनता अभियान के तहत कुछ स्कूलों का परीक्षण करके चश्मे बनवाए गए थे, जो कि स्कूलों में उनको वितरित किया जाना था। उसमें से लगभग 2574 चश्मे बनवाए गए थे। उनमें से 1188 चश्मे अभी तक वितरित नहीं हुए, जो कि फरवरी में यहाँ से चला चिकित्सालय में आ गए, लेकिन अभी तक उनको वितरित नहीं किया गया है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको उनका अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। तो इनको प्रथम दृष्टया इसमें जो है जो स्टोर कीपर है और जो परचेज शाखा का क्लर्क है उनकी लापरवाही प्रतीत होती है। हमने कहा है सीमा जो है उनको दोनों को SCN जारी किया जाएगा। साथ ही चूँकि चश्मे हैं वो तो लॉन्ग लाइफ चीज़ है, तो उनको तत्काल दो दिन के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम उनको वितरित कराएंगे। द्वारा जो चश्मे से संबंधित मामला चल रहा था जिला चिकित्सालय से, उस संबंध में लगाया जाए तो क्या कार्रवाई हुई और क्या उसमें क्या है कि जो ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो स्कूलों में जाके बच्चों के नेत्र परीक्षण करते हैं, जिनमें जो बच्चों को चश्मे की आवश्यकता होती है उनके नाम लिख के और चश्मे के नंबर लिख के जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत करते हैं और उसके हिसाब से जो है हम लोग चश्मे उन लोगों के लिए बनवाते हैं। तो मार्च एंड में ऐसे कुछ चश्मे आए थे जो स्टोर कीपर और वहाँ के अपने जिला चिकित्सालय के जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के बीच में सामंजस्य नहीं था, इसलिए आज दिनांक नहीं बढ़े। आज SDM साहब ने उसकी जांच की और हम लोग एक दो दिन में शुरू करवा देंगे। जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उसमें स्टोर कीपर और त्रय शाखा के उन्होंने सर उनका ऐसा आरोप है कि उन्होंने आपको भी बता दिया था 2 महीने पहले। कौन सा उनका ऐसा कहना है कि आपको उन्होंने बता दिया 2 महीने पहले के चश्मे आए? हाँ, ये बताया था कि चश्मे आए पर कहाँ आए और क्यों नहीं बैठे, ये बताया था। सर स्टोर इंचार्ज का कहना है कि स्टोर रूम में नहीं आए थे, जबकि चश्मे आ गए तो स्टोर रूम में आना चाहिए ना। एक्चुअली क्या है, मैं तो स्टोर में जाता हूँ पर मुझे दिखे नहीं थे, अभी कुछ दिनों से पहले दिखे हैं, 4-5 दिन पहले मुझे। सर ये किस योजना के तहत आए थे और कितने अंधत्व राष्ट्रीय अंधत्व निवारण नेशनल क्राइम? सर कितने चश्मे आए थे? करीब थे 2000। कुछ बटे इसमें? इसमें लोकल के बट गए। क्या लागत सर ये है? क्या लागत थी? 305 रुपये स्टेट से फाइनल है। सर ऐसा कुछ आया था कितने स्कूलों में बंटना था ये? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सभी स्कूलों की जांच होती है, उसमें जो बच्चे इसके लिए वो होते हैं जिनकी आंखें कमजोर होती है उन लोगों के नाम लिखते हैं उन्हीं को। सर अभी मामला ये आ रहा है सामने कि जांच हो गई, चश्मे भी आ गए, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। 2 या 3 महीने करीब करीब उस चीज़ को 3 महीने करीब जो शिकायत जो है कलेक्टर तक पहुंची तब जाके सारा मामला क्लियर हो। तहसीलदार साहब आए थे कल परसों, तभी हमें याद हो गया, तो हम प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि लंबे समय से जांच हुई, उसके बाद 3 महीने तक चश्मा आके यहाँ रखे डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो तालमेल का अभाव है, तालमेल का अभाव है, इसीलिए। सर अभी आपके सामने भी जो अकाउंट मैडम थे, स्टोर इंचार्ज था और जो क्रय विभाग का था, और जो इन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे थे कि हमारे पास वो यही है, इन लोगों के ईगो आपस में टकरा रहे होंगे, इसीलिए ये वितरण भी नहीं हुआ और इसलिए देरी हुई।